पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की तरफ से साझी विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इसमें शरीक हुए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरएसएस और मोदी सरकार को अपने निशाने पर रखा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस ने तब तक तिरंगे को सलामी नहीं दी जब तक इन्हें सत्ता नहीं मिली। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज हर संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया, चाहे वो रोजगार देने की बात हो या फिर सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम। जो महात्मा गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पटेल जी ने और करोड़ों हिंदुस्तानी नागरिकों ने हमें दिया, उस चीज को आरएसएस खत्म करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहता है। ये रियलिटी है, इनका और कोई लक्ष्य नहीं है। और जिस दिन हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में अपने लोग बैठा दिए और आरएसएस के लोग कोर्ट्स में, ब्यूरोक्रेसी में, सेना में, मीडिया में, जिस दिन सबके सब बैठ गए, उस दिन ये देश उनका होगा। और फिर ये आप सबसे कहेंगे, हम सबसे कहेंगे, अब ये देश तुम्हारा नहीं है, अब ये देश हमारा है।